बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री अन्न योजना। भारत सरकार की बहुत ही फ्लेक्सी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना चलाई हुई है। हमारे देश में श्री अन्न जो मोटे अनाज है, पहले जो उगाए जाते थे आजादी के समय में और उसके कुछ समय बाद तक मोटे अनाज पे ही लोग निर्भर होते थे, ज्वार बाजरा रागी मक्का। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सिंचाई का साधन हुआ, इसके बाद से गेहूं और धान ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, पानी का साधन आ गया और धीरे धीरे मोटे अनाज की खेती कम हो गई। लेकिन आज रिसर्च के आधार पर यह जानकारी मौजूद से मिली है कि मोटे अनाज में जितने पोषक तत्व हैं, प्रोटीन की क्वालिटी, प्रोटीन का अमाउंट, क्वालिटी से मतलब है एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, वो उस मोटे अनाज में अमीनो एसिड बनते हैं और उसको हम लोग ले सकते हैं। तो बाजरा में, ज्वार में, मक्का में एसेंशियल अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है। आयरन की प्रचुर मात्रा है, मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा है, जिंक की प्रचुर मात्रा है, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा है, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा है और सबसे बड़ी महीने की बात है फाइबर बहुत ज्यादा है और इसकी जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में बिल्कुल इजीली डाइजेस्ट यूटिलाइजेशन करने लायक है। तो ये जो मोटे अनाज है हमें डायबिटीज से दूर रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर से दूर रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेंगे। इसमें ऐसे कुछ केमिकल है जो कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देते। तो दवा की जगह पे अगर हम मोटे अनाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से सेहत सुधर जाएगा और स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो एक्स्ट्रा दबाव पड़ा हुआ उसके ऊपर वो दबाव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग मोटे अनाज को आहार में अपनाने लगेंगे तो अपने आप शुगर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और कार्डियक डिसऑर्डर जो हार्ट में प्रॉब्लम है वो खत्म होने लगेंगे और धीरे धीरे हमारा समाज बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। खासतौर से हमारे जो यंग जनरेशन को पढ़ाई खूब करना है, दिमाग तेज होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पाचन सही से होना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स विटामिन सही से मिलनी चाहिए और इसमें मोटे अनाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज के बच्चे, आज के लोग जंक फूड पे ज्यादा निर्भर है, नहीं मन हुआ पकाने खाने का, नहीं भोजन मिल रहा है, पैकेट वाला फूड मंगा लिया, पिज्जा बर्गर मंगा लिया, यही सब खाते हैं और जंक फूड हमारे हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर हम मोटे अनाज को खाएं, ज्वार को, बाजरा को, रागी को, मेज को, तो इसमें फाइबर का प्रचुर मात्रा में है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम बढ़िया कर देते हैं, कैल्शियम की मात्रा प्राप्त है, पर्याप्त है, हमारे टीनेजर्स के बोन हड्डियां दांत मजबूत हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन सही है, आयरन पर्याप्त मात्रा में, हीमोग्लोबिन बढ़िया बनेगा और हमारा जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई मिलेगी हमारे बॉडी को और हम बिल्कुल हेल्थ हमारा जो है सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो योजना क्यों चलाई गई है, विदेशों में इसकी बड़ी डिमांड है और हमारे देश में अगर हम किसानों को प्रमोट करें तो मोटे अनाजे से आपका एक पटेला का लगा एरिया यहाँ पे पानी नहीं, अगर आप बाजरा लगा दिया जाए तो बिल्कुल लगा दिया है आपने और हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए तो आपके जानवरों के लिए चारा भी हो गया और आपको जो है बाजरा मिल गया, मोटे अनाज मिल गए, पौष्टिक आहार मिल गया और हमारे डायरी हाल में ना होगा कि जल हमारा कहीं देश के हमारे बच्चे यही करते हैं, सुबह दोपहर दोपहर शाम का भोजन उनका तीनों मीटिंग का यही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से एक दिन इनकी बनी हुई दलिया, नमकीन वाली दलिया, उसको पकवा के खाएं, आप बाजरे का जो है बना हुआ उसको भी पकवा के खाएं, मतलब आपको ये महसूस होगा जिस दिन आपका इसका बना हुआ प्रोडक्ट आपने खा लिया लगेगा कि आपने बहुत बड़ा पोषक तत्व ले लिया है, आप बिल्कुल साउंड माइंड रहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा और आपके शरीर को पूरे के पूरे पोषक तत्व मिलेंगे। हम कुछ यहाँ पे श्री अन्न के बारे में बताना चाहेंगे, ये दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजरा जगह है, ये बाजरा ये जो है काफी कुछ इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, फाइबर प्रचुर मात्रा में, काफी पर्याप्त मात्रा में इसमें है और यहाँ पे देख सकते हैं श्री अन्न में मोटे अनाज जितने भी हैं इनकी पैदावार को बढ़ाना है। श्री अन्न में सब रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वारी है, ये सारे जो है श्री अन्न के हिस्से हैं, इनकी मात्रा को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बाजरा है, ज्वार है, रागी है और यहाँ पे जो है एक कमनी करके आता है।
ये सब पहले होता था। जब धान गेहूं होने लगा तो उसको मोटा अनाज कर दिया गया, अब उसका प्रोडक्शन ही खत्म हो गया। लेकिन आज फिर से हमारे देश में इसकी डिमांड वही है मोटे अनाजों की, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, और जितना ज्यादा से ज्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है ये मोटे अनाज देंगे। ये बाजार यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारे जो है इस वातावरण में, और इसको हम जो है प्रोड्यूस करके लोगों के जो है स्वास्थ्य को उमदा हम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग आइटम को रखा गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ ये मोटे अनाज जितने हैं ये सब जो है प्रीपेड ले सकते हैं आपके पास।